आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। रांची टेस्ट मैच का पहला दिन खराब मौसम व खराब रोशनी के चलते निर्धारित समय से पहले ही रोक दिया गया। पहले दिन 32 ओवर कम फेंके गए। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भारत ने अपने शुरुआती 3 विकेट मात्र 43 रन पर गंवा दिए थे। उसके बाद रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने जबरदस्त साझेदारी करते हुए पहले दिन की समाप्ति तक 58 ओवर में 3 विकेट खोकर 224 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। रोहित शर्मा 117 रन बनाकर जबकि अजिंक्य रहाणे 83 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने इस टेस्ट सीरीज का अपना 3रा शतक लगाया जबकि अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट करियर का 6ठा शतक लगाया। रोहित शर्मा 117 रन की नाबाद पारी में अब तक 164 गेंदों का सामना कर चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 4 गगनचुम्बी छक्के और 14 शानदार चौके निकले। वहीं अजिंक्य रहाणे 135 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों की मदद से 83 रन बनाकर रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं। खराब रोशनी के कारण पहले दिन का खेल समाप्त किए जाने तक रोहित शर्मा ने 117 रन अपनी पारी में बना लिए थे। रोहित इस टेस्ट श्रृंखला में अब तक 434 रन बना चुके हैं। यदि आज दूसरे दिन रोहित शर्मा अपनी पारी में 111 रन और बना लेते हैं तो वह वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ते हुए 3 मैचों की 1 टेस्ट सीरीज में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले नंबर 1 ओपनर बल्लेबाज बन जाएंगे। बता दें 3 मैचों की 1 टेस्ट सीरीज में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम है। सहवाग ने पाकिस्तान के विरुद्ध 2004 में 5 में 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 544 रन बनाए थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।